ठीक है। तो देर आर थ्री स्टेप्स इन इंफॉर्मेशन, उसमें से दो स्टेप हमने कवर किए। नंबर वन इज कॉल्ड अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, दूसरा स्टेप है सिलेक्टिव री एब्सॉर्प्शन, और जो तीसरा स्टेप है दैट इज कॉल्ड टिब्यूलर सिक्रीशन। ठीक है ना। देर आर थ्री स्टेप्स इन इंफॉर्मेशन। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन हम लोग पढ़ चुके, अच्छे से देखना वीडियो को। Selective reabsorption is also done in the last video. But today we are going to talk about tubular secretion. आप जिस टॉपिक की बात करेंगे वो tubular secretion है। Actually देखा जाएगा तो this term is a misnomer. ये सही टर्म नहीं है, गलत टर्म का इस्तेमाल किया गया है। Tubules do not secrete anything. Tubules से कुछ भी secrete नहीं होता, ठीक है ना। इसके लिए अगर इसका perfect कोई word इस्तेमाल करना है आपको, you can also use another term which is called as active सिक्रेशन। इसको हम एक्टिव सिक्रेशन भी बोल सकते हैं, इतना दिमाग में रखिए प्लीज। ठीक है, तो इज अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, सिलेक्टिव रीएब्सॉर्प्शन, टिब्यूलर सिक्रेशन। तो चलिए बात करते हैं व्हाट इज टिब्यूलर सिक्रेशन। तो मुझे वापस डायग्राम बनाना पड़ेगा, जो डायग्राम हम पूरा चैप्टर बना रहे हैं बच्चों, नेफ्रॉन का डायग्राम है। ठीक है, तो आप लोगों को पता होगा बराबर, दिस इज द बोमेंस कैप्सूल एंड ऑल। ये आपका है यहाँ पे प्रॉक्सिमल टिब्यूल्स, राइट, ये प्रॉक्सिमल टिब्यूल्स है। यहाँ पे आप देखेंगे दिस इज एंडलेस लूप, डिसेंडिंग है। ठीक है, यहां से आपको देखना है असेंडिंग है। अब चलेंगे ऊपर, राइट, तो चलो ये हो गया थिक वॉल असेंडिंग प्लेन। देखिए कितना क्लियर डायग्राम है, यही डायग्राम आपको फॉलो करना है, ध्यान रखेंगे। यस, ये हो गया हमारा नेफ्रॉन का डायग्राम। सो यह वी टॉक ऑन, आज जो हम बात करेंगे बच्चों दैट इज ऑन टिब्यूलर सिक्रेशन। बात करेंगे सिर्फ टिब्यूलर सिक्रेशन की, लास्ट वाला स्टेज जो है एक्टिव सिक्रेशन की। So now let's come to the dialogue. So our dialogue को मैं clear करना चाहूँगा यहाँ पे। Yes, this is nothing but afferent and efferent arterioles, right? बार बार हम इस को देख रहे हो, afferent and efferent arterioles। इस जगह पे हमारा टॉपिक हुआ था अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के बारे में, हमने इस जगह पे पढ़ा था। This was अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का टेक्स्ट था, सिर्फ मार्फियल टिब्यूल्स यहाँ पे हुआ था। So let's talk about the tubular secretion. मैंने अभी भी बोला आपको ये चल मिसनॉमर है, इसको आप एक्चुअली आप एक्टिव सिक्रेशन बोलो। व्हाट इज दिस टिब्यूलर सिक्रेशन और एक्टिव सिक्रेशन? देयर आर सम सब्सटेंसेस, यू नो दैट। यहां से क्या जाएगा बच्चों, ये दिस इज नथिंग बट द ब्लड। ठीक है ना, ये देखिए ये सब चीज जो हम लोग पढ़ते आ रहे थे अभी तक, है ना, ये जो है दिस ऑल ब्लड वेसल्स। देखिए यहां पे ये सब ब्लड वेसल्स है, दिस ऑल द ब्लड वेसल्स आर कनेक्टेड टू ईच अदर। पूरा ब्लड वेसल एक दूसरे से अच्छे से कनेक्टेड, देखिए इस तरह से पूरा कनेक्शन आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ये कनेक्शन से ये कनेक्शन लेवल, दिस आपको पता है लेवलिंग क्या होता है। ये जो लूप ऑफ हेनले को सराउंडिंग करता है बच्चों, दिस इज नोन एज वाजा रेक्टा, है ना, इसको हम लोग बोलते हैं वाजा रेक्टा। यहाँ पे जो पीसीटी में यू माइट नो इन द ऑल द पार्ट्स नाउ, दिस पार्ट इज कॉल्ड पीसीटी प्रॉक्सिमल कॉन्वोलरी टिब्यूल्स। मैंने आपको बताया था कन्वोल्यूशन क्यों होता है, so that the filtrate will pass slowly and there will be more time for reabsorption. ये भी देखिए, इसको मैं बोलूंगा DCT, this is distal convoluted tubules, है ना। यहाँ पे आ जाता है collecting tubules, ये बहुत सारे collecting tubule बना देते हैं collecting duct, और फिर बनता है बहुत सारे duct मिलके बनता है duct of Bellini, क्या बन जाएगा duct of Bellini। चलो एक बार थोड़ा सा रिवीजन भी हो गया हमारा नेफ्रॉन के बारे में, ये सब पार्ट्स उसके बने यहाँ पे बना दिए, राइट। एंड द नेटवर्क दैट इज प्रेजेंट टुवर्ड्स दिस पीसीटी एंड डीसीटी जो नेटवर्क होता है बच्चों, दिस इज नोन एज पेरिटिब्यूलर कैपिलरी नेटवर्क। ये जो स्ट्रक्चर यहाँ पे बना रहे हैं, दिस इज पेरिटिब्यूलर कैपिलरी नेटवर्क, है ना, ये स्ट्रक्चर यहाँ पे मैंने बना दिया। तो चलिए लेट्स टॉक अबाउट एक्टिव सिक्रेशन क्या होता है। सो टू मेंटेन द फिल्ट्रेट एंड द कॉन्सेंट्रेशन, बच्चों इसमें से जो भी कुछ पास होता है दिस इज नोन एज फिल्ट्रेट, या तो फिर इसको प्राइमरी यूरिन भी बोल सकते क्योंकि ये फाइनल नहीं हुआ है अभी तक। इसमें कॉन्सेंट्रेशन कम ज्यादा होगा तभी ये जाके आगे आपको फाइनल यूरिन मिलेगा, राइट। तो यहाँ पे पीसीटी में भी सिक्रेशन होता है, कुछ सिक्रेशन हेनलेस ग्रुप में देखना है, कुछ सिक्रेशन डीसीटी में देखना है। जैसे हम लोगों ने पढ़ा था विच इज अ मेन साइट फॉर सिलेक्टिव रीएब्सॉर्प्शन, हमारा आंसर था पीसीटी। पीसीटी इज अ मेन साइट फॉर सिलेक्टिव रीएब्सॉर्प्शन। व्हाट इज साइट ऑफ अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, ये वाला पार्ट।
malfeasant capsule, Bowman's capsule, and these afferent and efferent arterioles. The last topic is tubular secretion or active secretion. Mainly, it happens in the region called as DCT, distal convoluted tubules. Mainly, in that. In the PCT, there is secretion of, let's go in by arrow. In the PCT, there is secretion of ammonia takes place, PCT and blood messy. But you have blood messy under jarring, as well as there is secretion of H plus ion takes place in the PCT. So they keep PCT in the secret of ammonia or H plus ion blood messy under our PCT major to maintain the concentrated basically. But what I told you is the main site is going to be DCT. In the DCT, there is active secretion of K plus and there is active secretion of H plus takes place. This process is active process. You are looking it. That's why it is called as active secretion. Active secretion का मतलब क्या है बच्चों? This will need energy. इसको energy की requirement यहाँ पे होनी चाहिए. ठीक है ना? Not only this, there is secretion of urea takes place. ये बहुत ही interesting बात होती है बच्चों. ये जो लीम है, you know, this is what? Henle's loop. ये आपके पास Henle's loop होता है. This is descending limb. मैं abbreviation में लिखूंगा descending limb. ये जो structure है, this is thin walled. ठीक है? This is thin walled ascending limb. आपको पता चल रहा है? ये जो structure है, this is thick walled ascending limb है, right? ये जो है thick walled आपको diagram में difference पता चल रहा है ये. तो what is secreted in? तो अगर आप देखेंगे what is secreted in the this thin walled ascending limb, ये L है, आप समझ लीजिए please. ठीक है ना? तो what is secreted in is known as what? Urea. इसमें urea secreted होता है thin walled ascending limb के अंदर. बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है. चलिए, ये होता है सिक्रेशन. सम अमाउंट ऑफ अमोनिया इज आल्सो सिक्रेटेड इन द डीसीटी. नॉट ओनली दिस, हम डीसीटी की और सीटी की बात करेंगे. यहाँ पे मैं लिखना चाहूंगा, देखिए व्हाट इज अगेन सिक्रेटेड फ्रॉम ब्लड. ब्लड में से और क्या क्या सिक्रेट हो सकता है? याद रखिए प्लीज, देयर इज सिक्रेशन ऑफ अ सब्सटेंस कॉल्ड एज क्रिएटिनिन. प्लीज ये चीज सब याद रखेंगे. देयर इज सिक्रेशन ऑफ ड्रग्स लाइक पेनिसिलिन. देखिए पेनिसिलिन में से कुछ ड्रग्स होते हैं, वो भी यहाँ पे सीक्रेट किए जाते हैं. ठीक है, तो ये सब चीजें हैं. कुछ जो आयोडीन के डेरिवेटिव्स है, राइट, आयोडीन कंटेनिंग कंपाउंड्स होते हैं. आयोडीन कंटेनिंग कंपाउंड्स दैट आर आल्सो सीक्रेटेड इन डीसीटी एज वेल एज इन द सिटी टू मेंटेन देयर कॉन्सेंट्रेशन. यूरिया का बच्चों यहाँ से री एब्सॉर्प्शन होता है और यूरिया को यहाँ पे सीक्रेट किया जाता है टू मेंटेन द कॉन्सेंट्रेशन. यहाँ से देखिए, ये बहुत इंटरेस्टिंग बात मैंने इस डायग्राम में बना दी. तो दिस इज नोन एज tubular secretion or active secretion. Basically tubular secretion or active secretion क्यों होता है? तो maintain the concentration. ये concentration maintain करने के लिए process होता है. ठीक है, ये होता है हमारा active secretion that takes place mainly into the DCT. तो इस तरह से students हमारा आज का topic cover होगा urine formation. तो हमने urine formation तीन steps में divide करा था, ultrafiltration, selective reabsorption and tubular secretion which is also called as active secretion, right? तो ये हो गया हमारा आज का स्टेप. प्लीज डायग्राम देखिए, आप डायग्राम को थोड़ा फॉलो भी किया प्लीज है. आपके सामने नोटबुक होगा तो आप इसको देख भी रहे. ठीक है, तो बहुत अच्छी बात है. सिंपल सा कलर का इस्तेमाल कीजिए. ये जो रेड मैंने बनाया ये ब्लड वेसल्स है, ब्लू मैंने बनाया वो सब सब्सटेंसेस हैं दैट आर एक्टिवली सीक्रेटेड इनटू द कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स एंड ऑल टू मेंटेन द कॉन्सेंट्रेशन. ये हो गया हमारा तीन स्टेप यूरिन फॉर्मेशन. आई होप you understood the urine formation. आप प्लीज पीछे वाले वीडियो को भी अच्छे से फॉलो कीजिए, अपना नोट्स बनाइए, आपके पास जो भी टेक्स्ट बुक है बुक से वो भी फॉलो कीजिए. और कुछ भी डिफिकल्टीज है तो प्लीज मुझे कमेंट्स कीजिए. बहुत कम कमेंट्स आप बच्चों के मेरे पास आते हैं, ज्यादा कमेंट्स नहीं आते. प्लीज उन कमेंट्स को आप जैसे भी आपके पास पर्सनल कुछ प्रॉब्लम है तो प्लीज यू कैन कॉन्टेक्ट मी ऑन दिस नंबर. ये देखिए मेरा नंबर है, माय नेम इज डॉक्टर विशाल, राइट, 9822667908 मेरा नंबर है. पर्सनली भी आपको अगर कुछ भी डाउट्स है, डिफिकल्टीज है तो आप मुझे पूछा दीजिए, मैं आपको वो चीज एक्सप्लेन करके दे सकता हूँ. ठीक है, तो ये होगा हमारा आज का टॉपिक रिगार्डिंग द यूरिन फॉर्मेशन. तो चलो, अभी यूरिन तो बन गया बट इसमें कुछ एडिशनल पॉइंट्स हमें बोलने हैं. जैसे यूरिन तो बन गया, सो व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ यूरिन, इस बारे में हम बात करेंगे. व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ यूरिन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा.
आज का रहेगा कि यूरिन के अंदर क्या क्या कंपोजिशन है, ठीक है, ये भी हम आज देख लेंगे। सो नाउ बेसिकली इन द टॉपिक कॉल्ड यूरिन फॉर्मेशन में बच्चों सब्सटेंसेस के पहले एक चीज मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूंगा कि देर आर सम सब्सटेंसेस का हमारे बुक्स में भी दिया गया है। सो यहाँ पे मैं लिखूंगा थ्रेशोल्ड सब्सटेंसेस, ठीक है, प्लीज इस टॉपिक को आप दिमाग में रखेंगे एग्जाम्स के लिए, ठीक है, जो भी एग्जाम्स के बच्चों प्रिपरेशन करने वाले हैं इनके लिए हम थोड़ा सा इनके बारे में सोचेंगे, नीट सीईटी और एएमसी के लिए सोचेंगे। थ्रेशोल्ड सब्सटेंसेस व्हाट आर थ्रेशोल्ड सब्सटेंसेस, बट बच्चों थ्रेशोल्ड सब्सटेंसेस आर नथिंग बट द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑर्गन टू रीअब्सॉर्ब द सब्सटेंसेस। किडनी का मैक्सिमम कैपेसिटी वो किसी सब्सटेंस को कितना रीअब्सॉर्ब कर सकता है, आपको पता है सिलेक्टिव रिएक्शन किस किस चीज का हमने करा था, ये सब ने करा था, सिलेक्टिव रिएक्शन ग्लूकोज ऑफ अमीनो एसिड्स है ना, जो भी है वाटर सॉल्ट्स इन सब काम में क्या करता है बच्चों सिलेक्टिव रिएब्सॉर्प्शन करता है, बिकॉज दिस इज एसेंशियल टू आवर बॉडी, ये हमारे बॉडी के लिए एसेंशियल है, हम उसको एक्सक्रीट नहीं कर सकते है ना, इन सब का हमने हमने करा था सिलेक्टिव रिएब्सॉर्प्शन। तो इनका रिएब्सॉर्प्शन करने का जो कैपेसिटी है कितना मैक्सिमम हो सकता है, ओके, उस कैपेसिटी को बोला जाता है थ्रेशोल्ड कैपेसिटी और थ्रेशोल्ड सब्सटेंसेस। वी डिवाइड द थ्रेशोल्ड सब्सटेंसेस इन थ्री कैटेगरीज, नंबर वन इज नोन एज हाई थ्रेशोल्ड सब्सटेंसेस, ठीक है, दूसरा होता है द सेकंड इज लो थ्रेशोल्ड सब्सटेंसेस एंड नंबर थ्री विल बी, तीसरे नंबर पे बच्चों में लिखूंगा जीरो थ्रेशोल्ड सब्सटेंसेस, आप समझ सकते हैं, ठीक है ना। सो देयर आर थ्री काइंड्स ऑफ सब्सटेंसेस, क्योंकि ये टॉपिक थोड़ा सिलेक्टिव रिएब्सॉर्प्शन से रिलेटेड है और हमारे नीट के लिए सीईटी के लिए एएमसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, इसलिए मुझे आपको लिखना है क्योंकि आपकी किताबों में ये टॉपिक दिया नहीं है बट हमारे एमसीक्यू में पूछा जाता है। व्हाट आर हाई थ्रेशोल्ड सब्सटेंसेस, तो जो सब्सटेंसेस 100% रिएब्सॉर्ब किए जाते हैं, द सब्सटेंसेस विच आर, याद रखिए प्लीज ब्लैक कलर में लिखूंगा, द सब्सटेंसेस विच आर कंप्लीटली रीअब्सॉर्ब फ्रॉम द किड्यूल्स, है ना, किडनी से जिनको कंप्लीट रीअब्सॉर्ब किया जाएगा 100% 99% उसको हम क्या बोलेंगे हाई थ्रेशोल्ड सब्सटेंसेस। बच्चों कौन से, जैसे आपके पास ग्लूकोज है, यस, अमीनो एसिड्स है, सच सब्सटेंसेस आर कंप्लीटली रिएक्टेड, दे आर कॉल्ड हाई थ्रेशोल्ड सब्सटेंसेस। व्हाट आर लो थ्रेशोल्ड सब्सटेंसेस, सब्सटेंसेस विच आर पार्शियली रिएब्सॉर्ब्ड, है ना, जैसे देखेंगे पार्शियल रिएब्सॉर्प्शन है वाटर है ना, सॉल्ट्स है, यूरिया है, ये सब्सटेंसेस कौन से है, ये हो गया लो थ्रेशोल्ड सब्सटेंसेस, पार्शियली रिएब्सॉर्ब पार्शियली एक्सक्रीटेड, ये हो जाएंगे लो। जीरो थ्रेशोल्ड का मतलब क्या, विच आर नॉट रिएब्सॉर्ब्ड एट ऑल, ठीक है ना, दे आर नॉट रीअब्सॉर्ब्ड एट ऑल, इनको बिल्कुल भी रीअब्सॉर्ब नहीं करेंगे, इन सब्सटेंसेस को कंप्लीट एक्सक्रीटेड एक्सक्रीशन किया जाएगा, दीज सब्सटेंसेस आर कंप्लीटली एक्सक्रीटेड इन यूरिन, इनको यूरिन से कंप्लीट एक्सक्रीट किया जाएगा, उनको हम बोलेंगे जीरो थ्रेशोल्ड सब्सटेंसेस, उनको बिल्कुल भी रिएब्सॉर्ब नहीं किया जाएगा। जैसे सब्सटेंसेस हमारे पास है बच्चों, सब्सटेंसेस लाइक क्रिएटिनिन, सब्सटेंसेस लाइक हाइपोरिक एसिड, ठीक है ना, आपको बाद में पता चलेगा ये सब्सटेंसेस क्या है, हम पढ़ेंगे जरूर, ये क्रिएटिनिन क्या होता है, हाइपोरिक एसिड क्या है, हम जरूर पढ़ेंगे, तो शुरू शुरू के लेक्चर में मैंने इसको बताया, दिस इज वी आर एट द एंड ऑफ द चैप्टर, तो ये हो गए हमारे थ्रेशोल्ड सब्सटेंसेस। The threshold substances means what? It is nothing but the capacity of kidney to reabsorb the maximum amount. अगर हम यहाँ पे बात करेंगे, blood आपको नीट में पूछा जाएगा, blood glucose का threshold value कितना है? It is around, मतलब kidney कितना blood glucose reabsorb कर सकती है? एक क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा, बट इसके वैल्यूज में जो बच्चों थोड़ा बहुत चेंजेस आपको मिल जाएंगे, the values are around, ठीक है, 80 मिलीग्राम्स पर 100 एमएल ऑफ ब्लड, देखिए इतना होता है, तो आपकी किताब में जो वैल्यू है थोड़ी अलग भी है, 65 to 85 ऐसा वैल्यू स्टेट बोर्ड की किताबों में है, बट हम जब फिजियोलॉजी की बात करते हैं इस तरह से वैल्यू है, अराउंड इस्तेमाल किया है,
80 मिलीग्राम पर 100 ग्राम ब्लड इतना किडनी ग्लूकोज को रिएब्सॉर्ब कर सकती है इतना। बट समझो अगर ये 80 मिलीग्राम की जगह 160 मिलीग्राम ब्लड में शुगर पर 100 एमएल ना 100 एमएल वैल्यू से आपको आगे पता चलेगा, मतलब 100 एमएल में 80 मिलीग्राम में तो 100% रिएब्सॉर्ब हो जाएगा, बट उसी 100 एमएल में अभी ब्लड शुगर कितना है बच्चों 160 है। तो इसका मतलब किडनी इसको कितना रिएब्सॉर्ब कर सकती है, कितना ओनली 80 तो बच गया, ये 80 क्या करेगा अभी, ये जो बचा हुआ 80 मिलीग्राम है बच्चों, दिस 80 मिलीग्राम पर 100 एमएल विल स्टार्ट पासिंग फ्रॉम यूरिन, है ना, यूरिन से पास होना। हमने बोला था ग्लूकोज हाई थ्रेशोल्ड है, कंप्लीट रिएब्सॉर्ब हो चुका है, बट अगर ग्लूकोज का नंबर बहुत ज्यादा है ब्लड के अंदर, उसका वैल्यू बहुत ज्यादा है, डबल का वैल्यू आपको दिख रहा है, तो ये 80 मिलीग्राम यूरिन में से निकल जाएगा। और बच्चों ऐसी बीमारी को क्या बोला जाता है, डायबिटीज मेलाइटस, यू नो दैट, इसको हम डायबिटीज मेलाइटस बोलते हैं, ठीक है ना, मराठी में जाकर तेरा मधुमेह आशा शब्द आप तो मराठी में भी उसको मधुमेह बोला जाता है, बट दिस इज हमारा जो बायोलॉजिकल टर्म है मेडिकल टर्म है दैट इज डायबिटीज मेलाइटस। तो इसका मतलब डायबिटीज मेलाइटस में ब्लड शुगर लेवल हाई होता है, और यूरिन के अंदर भी क्या पाया जाता है, यस यूरिन के अंदर क्या पाया जाता है, ग्लूकोज नॉर्मली बिल्कुल भी नहीं होता, समझ गए, ये होता है थ्रेशोल्ड सब्सटेंसेस। अकॉर्डिंग टू द रीअब्सॉर्प्शन देयर आर थ्री थ्रेशोल्ड सब्सटेंसेस, दैट इज हाई थ्रेशोल्ड, लो थ्रेशोल्ड एंड जीरो थ्रेशोल्ड सब्सटेंसेस, राइट। तो ये हमने आज यहां पे पढ़ लिया है थ्रेशोल्ड सब्सटेंस के बारे में, और ये तीन स्टेप यूरिन फॉर्मेशन का, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, सिलेक्टिव रीअब्सॉर्प्शन एंड ट्यूबुलर सेक्रेशन, ठीक है। तो बच्चों प्लीज नीट के लिए टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसे दिमाग में रख लीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं, अभी आज का टॉपिक हम देखेंगे व्हाट इज कंपोजिशन ऑफ यूरिन, नॉर्मल एंड एबनॉर्मल कंपोजिशन, हमारा आखिरी वाला टॉपिक है। तो जो आगे जो दो वीडियोस के अंदर इस चैप्टर को हम खत्म कर सकते हैं, राइट, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर, तो ओनली थ्री चैप्टर्स वी हैव फ्रॉम ह्यूमन फिजियोलॉजी, इसमें से कुछ चैप्टर्स हमने कवर करे, जो नए बच्चे हैं हम उनके लिए वापस से ये सब पढ़ाएंगे, उसका टेंशन आप बिल्कुल भी मत लीजिएगा, क्योंकि सबका अलग अलग प्रॉब्लम चल रहा है, तो वापस से सब टॉपिक्स को मैं आपको कवर करके दूंगा। तो चलो यूरिन तो बन गया, बट यूरिन के अंदर है क्या, सो लेट्स टॉक अबाउट द कांसेप्ट कॉल्ड एज कंपोजिशन ऑफ यूरिन। तो आज का हमारा टॉपिक है यूरिन का कंपोजिशन, इसके लिए बहुत सारे अलग अलग बातें मैं आपको लिखूंगा। चलो सबसे पहले मैं आपको लिखूंगा, प्लीज ध्यान देना है यूरिन का वॉल्यूम कितना था बच्चों, क्वांटिटी कितना होता है यूरिन एक दिन के अंदर, सब देखूंगा मैं, दिस इज द फर्स्ट, इसको फिजिकल प्रॉपर्टी बोला जाता है। दूसरा मैं लिखूंगा रिएक्शन ऑफ यूरिन, यूरिन का रिएक्शन कैसा, ऐसे लिखे कि एल्केलाइन, वो मैं यहाँ पे लिखूंगा, ठीक है, जो मुझे लिखना है पीएच, पीएच ऑफ यूरिन में लिखूंगा, देन हम यहाँ पे लिखेंगे कलर, यूरिन का कलर कैसे वो लिखेंगे, देन वी राइट ओडर, राइट, उसका ओडर देखेंगे हम, स्मेल जिसको बोलते हैं वो देखेंगे, बोलिए एसिड की रिएक्शन पीएच कितना होगा 6.5 to 6.8 एसिडिक पीएच है, समझ रहे आपको, ओके। कलर कैसे, कलर ऑफ द यूरिन इज पेल येलोइश कलर, देखिए कलर कैसे पेल येलोइश, आपको पूछा जाएगा व्हाट इज द रीजन दैट यूरिन इज पेल येलोइश कलर, इट इज बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ अ सब्सटेंस कॉल्ड एज यूरोक्रोम। प्लीज याद रखेंगे हमारे एग्जाम्स के लिए, याद रखेंगे कुछ जगह पे मैंने पॉइंट्स में लिख दिया है, द सब्सटेंस कॉल्ड यूरोक्रोम बिकॉज ऑफ द यूरोक्रोम, व्हिच यूरोक्रोम जो होता है वो वाइन का एक ब्रेक डाउन प्रोडक्ट है व्हिच इज कॉल्ड द लीवर। तो व्हाई यूरिन इज पेल येलोइश कलर इट इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ यूरोक्रोम। अभी ओडर देखिए कैसे है, ओडर की बात करेंगे तो ओडर होता है बच्चों अमोनिकस, मतलब अमोनिया के जैसे, जैसे अमोनिया स्मेल करता है वैसे उसका स्मेल है, ओडर है, ये क्यों होता है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सब्सटेंसेस नोन एज, ये भी प्लीज नीट के लिए याद रखिएगा, सब्सटेंस नोन एज यूरिनोस, क्या सब्सटेंसेस है यूरिनोस, देखिए प्रॉपर्टीज मैंने आपको दी यूरिन की, वॉल्यूम कितना है 1500 ml 1500 मिलीलीटर्स, या फिर बोलिए 1.5 लीटर्स पर डे एट द रेट ऑफ 1.25 ml पर मिनट, रिएक्शन कैसे बच्चों एसिडिक,
pH क्या है 6.5 to 6.5. color क्या है pale yellowish color, it is due to presence of urochrome. याद रखेंगे ठीक है. odor कैसे उसका ammonicus, ammonia जैसा ammonia smell करता है वैसा उसका smell है. it is due to presence of urinodes. specific gravity भी उसका 1.02 होता है ठीक है. तो उसके बाद चलिए exactly composition उसमें क्या होगा. What is the composition of urine? एक proper topic की बात करेंगे composition क्या होगा. तो number one इसमें मैं लिखना चाहूँगा this water. तो आप देखेंगे 92% composition is of water ठीक है. दूसरा देखेंगे आपको इसमें देखना पड़ेगा यूरिया अराउंड 2 to 2.5%, 1.5 to 2% आपको इसमें यूरिया दिखेगा. नंबर थ्री पे मैं लिखूंगा सॉल्ट, सॉल्ट इज अराउंड 2.5% और बचा हुआ जो परसेंटेज बच्चों दैट विल बी कॉल्ड द अदर सब्सटेंसेस. और भी बहुत सारे सब्सटेंसेस के अंदर मिलेंगे जैसे आपको मिलेंगे प्रेजेंस ऑफ हाइपोरिक एसिड है, प्रेजेंस ऑफ सब्सटेंस कॉल्ड एज क्रिएटिनिन भी इसके अंदर रहेगा ठीक है. इसके अंदर आपको मिलेगा HCO3- बाइकार्बोनेट्स आयन भी मिलेगा इसीलिए तो वो एसिडिक होता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ दिस पर्टिकुलर बाइकार्बोनेट आयन. यूरिन इज एसिडिक इन नेचर ठीक है. इसके बाद आपको इसमें मिलेंगे पिगमेंट्स, जो पिगमेंट्स मैंने यहाँ पे लिखे देखो यूरिनोड्स है यूरोक्रोम्स है राइट. पिगमेंट्स लाइक यूरोक्रोम्स इसके अंदर आपको मिलेंगे और भी कंपोजिशन में देखेंगे आपको ड्रग्स है ठीक है. ड्रग्स मतलब मेडिसिन है, टॉक्सिन्स है राइट. ये भी आपको इसके अंदर एक्सक्रीटेड सब्सटेंस के साथ मिले एंड वेरी लेस अमाउंट ऑफ प्रोटीन्स, जो प्रोटीन्स जिनके मॉलिक्यूलर वेट बहुत कम होता है ऐसे प्रोटीन्स भी हम यूरिन के अंदर देख सकते हैं. This is the normal composition of urine. तो please ये topic बहुत ज़्यादा important है. इसको follow कीजिएगा. आपके सामने मैंने clearly लिख दिया है कि urine के बारे में हमें क्या-क्या पता है. हमें urine के बारे में पता है. ये normal composition की बात है बच्चों. समझिए ये substance को डरी ना बताइए. आपको नाम पता नहीं. आप जरूर जब हमारे नीट का नीचे संदर्भ होता है इस सब के बारे में डिटेल्स में मैं आपको बताऊंगा. इसका टेंशन आप बिल्कुल ले लीजिएगा ठीक है. इसमें कुछ विटामिन भी हो सकते हैं, विटामिन भी पाए जाते हैं, हार्मोन भी पाए जाते हैं. इवन सम हार्मोन्स आर आल्सो प्रेजेंट इन यूरिन. हार्मोन्स इसमें पाए जाते हैं, वाटर सोल्युबल विटामिन भी इसमें हो सकता है, विटामिन सी भी इसमें हो सकता है.